गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। ट्वेल्थ क्लास, आज हम अपना जो नेक्स्ट कविता की ओर जा रहे हैं, उससे पहले हम कवि परिचय करेंगे। जो नेक्स्ट कविता है हमारी, वो कविता के बहाने बात सी दी थी पर, लेकिन आपको मैं बताती हूँ, 30% जब सिलेबस कटा तो उसमें से पहला पार्ट कविता के बहाने कट चुका है। वो सेकेंड पार्ट था बात सी दी थी पर, ये वाली जो है कविता अभी है। तो सबसे पहले मैं कवि परिचय करवाऊंगी, क्योंकि मैंने पहले में वीडियो में भी बताया था कि आपका कवि परिचय फाइनल पेपर में आता है, और तो आपने इसको फिर कॉपी में भी राइट करना है और उसको लर्न भी करना है। मैं कवि परिचय करवा रही हूँ कुंवर नारायण जी का। सबसे पहले जीवन परिचय। कुंवर नारायण जी आधुनिक हिंदी साहित्य में नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका अज्ञेय तारक सप्तक महत्वपूर्ण स्थान है, यानी अज्ञेय के इनके जो एक लेख संग्रह है अज्ञेय, उसमें जो तारक सप्तक है उसको महत्वपूर्ण स्थान मिला है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में 19 सितंबर 1927 को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। कुछ दिनों तक युग चेतना नामक प्रसिद्ध साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन किया। ये एक भ्रमणशील व्यक्ति थे। इन्हें चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रूस और चीन आदि देशों का भ्रमण किया। उसके बाद आपने इसकी कुंवर नारायण जी की रचनाएं लिखनी है। कुंवर नारायण जी की जो जैसे रचनाएं हैं, ये बहुमुखी प्रतिभा के उत्प्रोत साहित्यकार है। इन्होंने साहित्य में अनेक विधाओं पर सफल लेखनी चलाई है। जैसे इनके जो काव्य संग्रह हैं, रचनाओं के पार्ट बता रही हूँ, काव्य संग्रह चक्करव्यूह, प्रवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि, ये तो रचनाओं का जो है काव्य संग्रह है। फिर इसमें प्रबंध काव्य है आतम जी। फिर इसके बाद आता कहानी संग्रह है इनके आकारों के आसपास, और जो समीक्षा आज और आज से पहले, साक्षात्कार, मेरे साक्षात्कार। उसके बाद जो आपने लिखनी है वो उनकी साहित्यिक विशेषताएं लिखनी है। साहित्य में उनकी क्या विशेषताएं हैं, तो उनकी जो साहित्यिक विशेषताएं थे, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के व्यक्तित्व थे, यानी कुंवर नारायण जी एक भ्रमणशील व्यक्ति थे। इसे भ्रमणशीलता तथा उसके पास से साहित्य के अध्ययन का फलस्वरूप कविता के प्रति इनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। भ्रमणशीलता तथा पाश्चात्य साहित्य के प्रति कैसा व्यक्तित्व था, इनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण। फिर विचार पक्ष की प्रधानता, कुंवर नारायण जी जहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण के उत्प्रोत थे, वहीं उनमें जो विचारों की प्रधानता थी वो दूसरे विचारों की प्रधानता भी रखते थे। इसमें प्रधानता के कारण वे कविता की कोरी भावुकता का पर्याप्त नहीं मानते। फिर वो प्रत्यक्षता के प्रत्यात्मा कवि ने अपनी संवेदना की अभिव्यक्ति के लिए प्रत्यात्मा का सहारा लिया है। उनका चक्करव्यूह काव्य संग्रह एक प्रत्यात्मक रचना है। उसके बाद जो उनका है नगरीय संवेदना का चित्रण, नगरीय संवेदना का जो चित्रण है उनका, इसमें कुंवर नारायण जी को नगर संवेदना का कवि माना गया है। यह उनके पक्ष के काव्य को स्पष्ट झलकाता है। उन्होंने नगर तथा महानगरीय को क्या नगर तथा महानगरीय कुंवर नारायण जी ने नगर तथा महानगरीय उनके ऊपर विशेष चित्रण किया है। सामाजिक चित्रण भी उनका, कुंवर नारायण जी की सामाजिक चेतना के उत्प्रोत हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में समकालीन समाज की झांकी प्रस्तुत की है। आतम जी प्रबंध काव्य में नचिकेता के मिथक के माध्यम से सामाजिक जीवन का सजीव चित्रण किया है। सामाजिक रहन सहन, उहापो आदि इनका काव्य संग्रह में यथार्थ चित्रण हुआ है। फिर वो एक मानवतावादी कवि थे। कुंवर नारायण जी के काव्य मानवतावादी विराट भावना के दर्शन भी होते हैं। उन्होंने वैज्ञानिक युग की भागदौड़ में फंसे सामान्य जनजीवन का भी चित्रण किया है। जैसे जो चक्करव्यूह काव्य संग्रह है उसमें क्या था, उसमें कवि ने समकालीन मानव के विघटनकारी सात मार्थों से घिरे हुए
अभिमन्यु का चित्रित किया है। उनकी जो भाषा शैली है, उनकी जो विविधता कुंवर नारायण की कविताओं में विशेष गुण है, यानी भिन्न भिन्न प्रकार उनकी भाषा की शैली में विविधताओं का गुण है। उन्होंने विषय विविधता के साथ साथ अनेक भाषाओं का प्रयोग किया है। उनके काव्य की प्रमुख भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें अंग्रेजी, उर्दू, तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। उनकी शैली विषय अनुसार है, जो अत्यंत गंभीर और विचारात्मक है। उन्होंने अपनी भाषा में अलंकारों का भी प्रयोग किया है, क्योंकि उन्होंने अपनी कविता के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अनुप्रास, यमक, पदमैत्री, स्वमैत्री, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग किया है और मुक्तक छंद का भी प्रयोग किया है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि कुंवर नारायण जी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि हैं। उनका साहित्यिक दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक है, अतः उनका आधुनिक काव्यधारा में प्रमुख स्थान है। ये जो था, ये हमने कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय पढ़ा था। ओके।